तो गाइस 2024 का सबसे इंटरेस्टिंग स्टेशनरी वीडियो यहाँ पे है जो कि होने वाला है ऑन बैक टू स्कूल स्टेशनरी। हमारे पास यहाँ पे काफी सारी स्टेशनरी मौजूद है जिसको हमने थरली टेस्ट किया है एंड मेनली जो आपके बजट में आ जाएगी, जो हम आज आपको रिकमेंड करने वाले हैं आपके नए सेशन के लिए। तो यहाँ चाहे फिर वो डेस्क ऑर्गेनाइजर्स हो, लैंप्स हो, पेंसिल केसेस हो, ज्योमेट्री बॉक्सेस हो, आर्ट सप्लाईज हो, पेंस हो, रोलर बॉल पेंस हो, इरेजर्स हो, शार्पनर्स हो, कुछ भी होगा इस, तो हम सब कुछ रिकमेंड आपको करने वाले हैं इस वीडियो में। नीचे टाइम स्टैम्प्स आपको दे दिए हैं जिसमें आपको पता लग जाएगा कि किस कैटेगरी में हमने किस पार्ट की बात की है। स्टार्ट करने वाले हैं हम गाइस डेस्क ऑर्गेनाइजर्स एंड लैंप से। तो ये वीडियो आपको अपने पैसे सही जगह इन्वेस्ट करने में काफी मदद करने वाला है। अगर आपको लगता है ना कि काफी हमने मेहनत की आप लोगों के लिए, तो हमारे दो कामों को करना पड़ेंगे। पहला है जो आप जानते ही हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड दूसरा इसको अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें जिससे आप उनको भी सही स्टेशनरी खरीदने में मदद कर पाए। तो स्टार्ट कर लेते हैं गाइस हमारे कुछ लैंप एंड डेस्क ऑर्गेनाइजर से। तो गाइस यहां मेरे पास आ गए हैं दो डेस्क ऑर्गेनाइजर एंड दो लैंप्स। पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजर्स की गाइस। तो यहां ये जो ऑर्गेनाइजर आप देख रहे हैं गाइस, ये है फ्रॉम मिरायो। तो यहां पे ये Amazon पे आपको मिल जाएगा। काफी सारे इसमें कंपार्टमेंट आपको मिलते हैं, यहाँ पे आगे भी जगह है तो उसमें आप स्टिकी नोट्स वगैरह रख सकते हैं, एंड यहाँ पे आप अपने जो नॉर्मल पेन्स वगैरह हैं उनको काफी अच्छे से यहाँ पे ऐसे स्टोर कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गाइस कुछ इस टाइप का एक वर्टिकल ऑर्गेनाइजर। अब इसकी खास बात ये होती है कि इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजर होता है ना, इसमें आपको इस टाइप के स्टैंड मिल जाते हैं, तो इसमें आप काफी अच्छे से अपने पेन्स को ऐसे डाल सकते हैं तो आपके पेन लीक भी नहीं करेंगे, एंड वो काफी अच्छे से ऐसे डेस्क पर रखा भी रहता है तो ऐसे देखने में काफी अच्छा लगता है। तो काफी सारे पेन्स इसमें आ जाएंगे एंड इसको आप ऐसे स्टैंड कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजर आते हैं गाइस, इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी है, तो जो जो वीडियो होंगे ना जिन पे ऐसी चीज होंगी वो मैं लिंक भी करता जाऊंगा, तो उनको भी एक बार चेकआउट कर लेना अपनी नीड के हिसाब से। तो इनके लिंक्स नीचे मिल जाएंगे आपको। तो अब बात कर लेते हैं गाइस लैंप्स की। तो सबसे पहले ये वाला जो लैंप है ये मैं आईकिया से लेके आया था, तो अगर आपके पास आईकिया है ना तो ये आप ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि काफी अच्छा आपको एक डेस्क ऑर्गेनाइजर तो मिलता ही है इसमें, साथ साथ में ये वाला जो लैंप है ये रिंग लाइट के फॉर्म में आता है। इसको ना आप USB-C से चला सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये जो मेरा फोन है इसमें डायरेक्टली मैं ऐसे USB कनेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं गाइस कि ये चालू हो गया है, एंड यहाँ पे ना आपको ब्राइटनेस लेवल भी मिल जाता है जिनको ऐसे टिप करके आप इसको चेंज कर सकते हैं, डिम मीडियम देन हाई हो जाता है। इस टाइप से काफ़ी मुझे अच्छा लगा एंड काफ़ी अच्छा ब्राइट लाइट है इसका, साथ में इसका कलर टोन भी आप चेंज कर पाएंगे, वॉर्म वाइट, वाइट एंड नेचुरल वाइट में ये चेंज हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा लैम्प है, अपने वॉल अडाप्टर से या अपने फ़ोन से या किसी भी USB-C पॉइंट से आप इसे चला सकते हैं, बट क्योंकि आईकिया हर जगह नहीं होता है तो दूसरे लैम्प पे आते हैं। तो आप ले सकते हैं ये विप्रो का लैम्प गाइस, जिसको मैंने पावर में कनेक्ट कर दिया है, एंड यहाँ देख सकते हैं इसकी एक फ्लेक्सिबल नेक है, ये आपको 1100-1200 के समथिंग मिल जाता है, एंड ये स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी ऐसे LED का कॉम्बिनेशन होता है, वाइट एंड वॉर्म वाइट दोनों होती है। इसमें यहाँ पे एक टच बटन है सिंपल, तो आप इसको टच करते हैं ना तो आप इसको वाइट देन अगेन वॉर्म वाइट देन यहाँ पे बंद हो गया, देन यहाँ पे दोनों का मिक्सचर आप इसको चालू कर सकते हैं। तो बेसिकली इस टाइप से ये तीन मोड में काम करता है। इसको अगर मैं होल्ड करके रखता हूँ तो इससे ये ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, एंड वापस को मैं छोड़ता हूँ, वापस होल्ड करके रखता हूँ तो इससे ये डिम हो जाता है। अगेन इसमें जो डिमिंग है वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में, तीन लेवल्स नहीं मिलते, आप इसको बहुत कंटिन्यूस फॉर्म मिलता है तो आप अपने हिसाब से ना परफेक्टली ब्राइट एंड परफेक्टली डिम इसको कर पाएंगे। तो अगेन काफ़ी अच्छा मुझे लैंप लगा 1100-1200 की प्राइस में, मुझे Amazon पे ये बेस्ट लैंप लगा। अब बात कर लेते हैं पेंसिल केसेस की गाइस। तो यहाँ पे मेरे पास ये पांच पेंसिल केसेस आ गए हैं गाइस। अब ये जो पांचों केसेस हैं ना ये मैंने ऑनलाइन परचेस किए, तो इन सब की लिंक्स आपको मैं दे दूंगा। अगेन ये हमने काफ़ी बार फीचर कर दिए हैं बट यही आपको ऑनलाइन मिल पाएंगे अच्छे प्राइजेस में। तो देखिए अब यहाँ पे जो विनर है वो मैं हमेशा से जो रिकमेंड करता आ रहा हूँ, जो हमारा यूनिगियर का हार्ड केस है ये विनर अभी भी है, काफ़ी सालों से मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूँ। अराउंड 350 रुपीज़ इसका प्राइस पड़ता है, जिसमें एक हार्ड शेल केस मिलता है, यहाँ पे दो फ्लैप मिलते हैं, यहाँ पे पेन रखने के लिए जगह है, एंड यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस मिल जाती है। तो अगेन काफ़ी अच्छा केस है, नंबर वन पे यही है इस साल भी। देन हमें मिल जाता है गाइस फाइनमो की तरफ से आने वाला कुछ ऐसा केस, ये भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा क्रीम एंड पिंक कलर में ये है। यहाँ पे आगे आपको रखने की जगह मिल जाती है पेन्स, इसका कंपार्टमेंट आप ओपन करेंगे तो कुछ उस टाइप से ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा एक मैश है, यहाँ पे आप पेन रख सकते हैं, यहाँ पे एक पेन होल्डर है जो इलास्टिक फॉर्म है, तो आपका बड़ा पतला पेन दोनों आ जाएंगे, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पेस है। अब आपको अगर ये स्पेस थोड़ी छोटी लग रही है कि इसमें भाई मेरे सारे पेन्स नहीं आएंगे तो नीचे से आप इसको ओपन भी कर सकते हो, तो इससे क्या होता है ना इसका स्पेस वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पे ना अब ये बढ़ गया है, तो आप देख सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम था पहले कैसा था एंड आप देखिए कितना बढ़ गया है। तो इसमें अब आप जितने चाहें उतने पेन्स रख सकते हैं, देखिए कितने सारे तो मैंने रख ही दिए। तो अगेन काफ़ी अच्छा केस है ये, इसका जो प्राइस है अराउंड 750 जाता है, बट अमेजोन पे ना आप सर्च करना थोड़ा, आपको ना सेलर हो सकता है दूसरा मिले वो आपको 350-400 में भी ये मिल जाएंगे, दिखते सेम है बस सेलर अलग होगा। नेक्स्ट केस है गाइस वूम की तरफ से आने वाला ये वाला केस, इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, ये भी काफ़ी अच्छा लगता है, एलिगेंट है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ना स्टोरेज भर भर के मिलता है, सामने एक फ्लैप आपको मिल जाता है, इसको आप ओपन करते हो तो यहाँ पे भी फ्लैप है, यहाँ पे काफ़ी सारी जगह है,
अंदर आपको काफ़ी सारे जगह मिल जाती है। इसको भी अगेन आप सेम तरीके से ओपन कर सकते हो, तो यहाँ पे भी काफ़ी जगह है। इसका फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल है, बट फाइन मो के कंपैरिजन में ना ये दिखने में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा रगेड एंड बड़ा एंड रफ टफ है। तो अगेन इन दोनों में से आप बजट के हिसाब से दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड एट लास्ट गाइस, आप इस टाइप के ट्रांसपेरेंट केस भी ले सकते हो, ये आपको ऑफलाइन ही मिल जाएंगे। एंड इस टाइप से जो वायर वाले सिंपल केस होते हैं ना, ये भी मुझे बहुत पसंद है। सिंपल आपको एक ऐसी थड़ी टाइप की मिल जाती है जिसमें आप अपने सारे पेंस ऐसे डाल सकते हो। इनकी अच्छी बात ये होती है ना कि इन पे आप जो भी पेन डाल रहे हैं यहाँ पे, तो वो आपको ना ऐसा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप उसको बाहर से ही देख पाते हैं कि भाई आपके पास क्या है ना। तो इस टाइप की केसेस या ट्रांसपेरेंट केसेस भी आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए तो बात कर लेते हैं ज्योमेट्री बॉक्सेस की। एंड गाइस, ये है हमारे टॉप ज्योमेट्री बॉक्सेस। तो इनमें सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है इस साल भी, वो हमारा मैपेट का सिलेक्शन कॉलेज ही है। सबसे अल्टीमेट क्वालिटी आपको मिल जाती है, सबसे बेस्ट क्वालिटी के आपको यहाँ पे टूल्स मिल जाते हैं। तो अगेन सबसे बेस्ट है, 350 रुपीज़ तक ये आता है, थोड़ा महंगा जाता है, बट अगेन इसको एक बार परचेस कीजिए, नहीं सालों साल आपके साथ चलने वाला है। अगर थोड़ा बजट में आपको लेना है तो आप मैपेट का ही यहाँ पे कंपास ले सकते हैं। ये जो हमारा 9-पीस सेट का बॉक्स आता है वो आप ले सकते हैं, ये आपको अराउंड 160-170 रुपीज़ में मिल जाता है। मैपेट के जो आपको ज्योमेट्री बॉक्सेस मिलते हैं उनकी क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है। इसके बाद बात करें गाइस, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ क्लासमेट की तरफ से आने वाला एस्ट्रॉइड। ये भी काफ़ी अल्टीमेट बॉक्स है यार, यहाँ पे ना आपको काफ़ी अच्छी वैरायटी मिलती है, इसमें काफ़ी अच्छा डिज़ाइन तो यहाँ पे है ही। अंदर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे ये दोनों साइडेड लोडेड बॉक्स आता है, एंड यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्केल भी मिलता है जो 15 से 30 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कंपास में भी आपको लॉकिंग मैकेनिज्म मिलता है। अगेन इसकी भी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, एंड काफ़ी इनोवेटिव ओवरऑल बॉक्स बनाया है। तो यहाँ पे अगर आपको इनोवेटिव ज़्यादा अच्छा बॉक्स चाहिए तो आप क्लासमेट के साथ जा सकते हैं। एंड देन अगर आप लेना चाहते हैं ऐसे ज्योमेट्री बॉक्स जो काफ़ी अच्छे एक सॉलिड टॉप केस के साथ आए, तो गाइस ये दो ज्योमेट्री बॉक्स आप ले सकते हैं। सबसे पहले है रेनॉल्ड्स का कैलिबर, एंड देन है गाइस डॉम्स का ईमैक। कैलिबर का रिव्यू हम कर चुके हैं, ईमैक का रिव्यू चैनल पे जल्दी आने वाला है, तो इन दोनों में से आप परचेस कर सकते हैं। दोनों ही काफ़ी अच्छे हार्ड केस के साथ आते हैं, एंड अंदर अच्छे टूल्स मिल जाते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं गाइस कुछ हमारे रूलर्स की। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे रूलर्स आ गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो क्लासमेट का 30 सेंटीमीटर का रूलर लीजिए, डॉम्स का आप जूम ले सकते हैं, या फिर अगर आपको ना ब्रॉड रूलर चाहिए, इन सबसे थोड़ा ब्रॉड चाहिए, तो गाइस अप्सरा का डीलक्स 30 सेंटीमीटर स्केल बेस्ट रहेगा। काफ़ी ब्रॉड एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आता है। प्राइसिंग जो इसकी है वो 20 रुपीज़ है, एंड यहाँ पे जो बाकी के ये भी आपको 20 में मिलते हैं। तो अगर आपको थिक और ब्रॉड चाहिए तो अप्सरा के लीजिए, नहीं तो आप ये दोनों ले सकते हैं। मेटल अगर आपको रूलर चाहिए तो आप इस टाइप का ले सकते हैं, ये आपको अपनी लोकल स्टेशनरी पे मिल जाएगा, बट अगेन थोड़ा सा ना इसके एजेस शार्प होते हैं, तो मैं ज़्यादा स्कूल में रिकमेंड नहीं करता हूँ। एंड मैम अगर ले तो इससे पिटाई भी अच्छे से हो जाती है, तो उसको छोड़ देते हैं। एंड एक और नई चीज़ बताता हूँ आपको, आप ले सकते हैं इस टाइप का एक रोलर स्केल, यह है ओमेगा का रोलर स्केल। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो कॉलेज में यूज़ होता है ना, डेफिनेटली हाँ ये कॉलेज में रिकमेंड करते हैं, बट ये बहुत अच्छा टूल है, स्कूल में भी मैं रिकमेंड करता हूँ। नॉर्मल स्केल से अलग कैसे होता है वो बताता हूँ। कभी हमें नॉर्मल स्केल से अगर लाइन ड्रॉ करनी हो इक्वल डिस्टेंस पे, तो हमें काफ़ी ध्यान से करनी पड़ती है, लाइन टेढ़ी हो जाती है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसको ना आप क्या कर सकते हैं, इसको नॉर्मल ऐसा रख सकते हैं, एंड यहाँ पे ना आपको मार्किंग दिख जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मार्किंग दिख रही होगी। एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ाते हैं ना, तो 1-1 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे दिख जाता है कि हाँ एग्जैक्टली कितना हमारा रोलर स्केल आगे बढ़ा है। तो बेसिकली इस रोलर स्केल की मदद से ना आप एग्जैक्ट आगे बढ़ा के अपना मेजरमेंट ले पाएंगे। तो अगेन काफ़ी अच्छा टूल है। तो रोलर स्केल अगर आपको लेना हो तो ओमेगा के आप ले सकते हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी में आते हैं। एंड इस रोलर स्केल के ना काफ़ी और भी यूजेस होते हैं, इनके लिए आप बोलोगे तो अलग वीडियो बना दूंगा। चलिए तो अब बात कर लेते हैं इरेजर्स की गाइस। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे इरेजर हैं। अब देखिए सिंपल अगर आपको इरेजर चाहिए ना, तो अप्सरा की नॉन डस्ट इरेजर बेस्ट रहेंगी, नॉर्मल यूज़ के लिए ये बेस्ट है, इनको ले लीजिए। बट अगर आपको थोड़ी स्पेशल इरेजर चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ मैपेट की डुओ इरेजर्स। यहाँ पे आपको शार्पनर एंड इरेजर साथ में मिल जाता है, काफ़ी हाई क्वालिटी इरेजर्स होते हैं मैपेट के। इसके बाद एक और यूनिक इरेजर है मेरे पास, फ्लेयर का डुएट इरेजर। इसकी खासियत क्या होती है मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको एक छोटा सा रूलर भी मिलता है, एंड अंदर एक इस टाइप की इरेजर भी मिल जाती है जो ऐसे निकल के आ जाती है। तो अगर ना स्कूल में छोटी छोटी लाइंस बनाने के लिए जो हम फ्री एंड बना देते हैं ना, उसमें आप इस डुएट स्केल का यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से ये चलेगा। एंड यहाँ पे जो सबसे हाईली रिकमेंड मैं करता हूँ वो है गाइस डॉम्स की तरफ से आने वाले ये दो इरेजर, जिसमें ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। ये है डॉम्स की ग्रूव इरेजर, ये एक रिट्रैक्टेबल इरेजर है। यहाँ पे आपको रीफिल्स भी मिल जाते हैं, हमारे रेजर कंपैरिजन की भी ये विनर थी, एंड इसका प्राइस है सिर्फ 25 रुपीज़। काफी अच्छी रेजर है, एंड रिट्रैक्टेबल फॉर्म में आती है, तो पेन जैसी लगती है। एंड लास्ट में हमारे पास है गाइस डॉम्स का इरेजर। अभी रेजर तो है ही, बट ये टायर जैसा है, तो इससे आप ना थोड़ा बहुत कुछ फन भी कर सकते हो क्लास में 10 रुपीज़ में। ये भी मुझे काफी अच्छा रेजर लगा। इरेजर्स की बात हुई तो पेंसिल की भी होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल वुडन पेंसिल्स भी हैं, एंड मैकेनिकल पेंसिल्स भी हैं आपके स्कूल के लिए। तो आइए दोनों की बात करते हैं। पहले अगर वुडन पेंसिल की बात करूँ तो इनको साइड करते हैं, एंड ये हमारे पास रिकमेंडेड पेंसिल हैं हमारी। तो यहाँ पे जो सबसे हाईली मैं रिकमेंड करता हूँ
वो आप नॉर्मल अपनी जो अप्सरा की आपकी सबसे सिंपल यहाँ पे अप्सरा एब्सोल्यूट एक्स्ट्रा डार्क जो पेंसिल आती है इसको आप ले सकते हैं। ये पेंसिल पैक काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड है, काफ़ी अच्छी पेंसिल्स होती हैं। इसके बाद आप अप्सरा की जो मैट मैजिक पेंसिल आती है, अगर आपको थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। इसमें ना काफ़ी कलरफुल आपको उस टाइप का वुडन सेक्शन देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम जो रिकमेंड कर सकते हैं आपको वो है गाइस, अगर आपको थोड़ी सी डार्क पेंसिल चाहिए ना तो यहाँ पे ये दो पेंसिल्स आ जाती हैं। ये है आर्टलाइन की तरफ से आने वाली ब्लैक ब्यूटी, काफ़ी अच्छी मैट फिनिश में आती है एंड एकदम डार्क पेंसिल है, 80 रुपीज़ में आ जाती है। एंड देन अगर आपको थोड़ी अच्छी हाई क्वालिटी पेंसिल चाहिए तो डॉम्स का सुपीरियर का बॉक्स ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा टिन बॉक्स में आती है। अंदर आपको एक ब्रश इरेजर भी मिल जाती है जिसमें आपको एक ना एक इरेजर पेंसिल के फॉर्म में मिलती है जो काफ़ी क्रिएटिव है। एंड यहाँ पे जो पेंसिल की क्वालिटी है मैट फिनिश में आपको आती है एंड पेंसिल चलती भी काफ़ी डार्क है। इसका ही अगर एक बजट ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे जो डॉम्स की X1 एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है ये भी काफ़ी अच्छी, आप इस टाइप का इनका जहाँ परचेज कर सकते हैं। एंड एट लास्ट ये एक मेरे पास स्टेडलर की पेंसिल है, अगर आपको थोड़ी सी सिंपल लुकिंग जो थोड़ी एलिगेंट पेंसिल दिखती है वैसी कोई पेंसिल लेना है तो आप ये ले सकते हो। सिंपल येलो बॉडी में आती है, ऊपर इस टाइप का रबर मिलता है, तो काफ़ी मुझे अच्छी सिंपल पेंसिल लगती है। इसका प्राइस है 192 रुपीज़ जिसमें आपको 12 पेंसिल मिलती हैं, तो यहाँ पे आपको ये अराउंड 1670 रुपीज़ की पर पेंसिल पड़ती है। थोड़ी महंगी है बट देखने में मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो अब बात कर लेते हैं गाइस मैकेनिकल पेंसिल्स की, तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी बजट में मैकेनिकल पेंसिल्स आ गई हैं। देखिए ये काफ़ी अच्छी अच्छी और काफ़ी महंगी पेंसिल्स भी आती हैं और ये सारी स्टेशनरी काफ़ी महंगी और थोड़ी और हाई क्वालिटी में मिल जाती हैं। आप बोलेंगे तो उसका मैं एक अलग वीडियो बता दूंगा जिसमें हम थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी के बैक टू स्कूल सप्लाईज आपको बता देंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं गाइस, सबसे सस्ते 10 रुपीज़ में आप ले सकते हैं डॉम्स एंड सेलो की सुप्रीम। ये जो दो मैकेनिकल पेंसिल्स हैं 10 रुपीज़ में बेस्ट है। एंड यहाँ पे पहले में सेलो की सुप्रीम अगर आपको मिलती है तो अगेन काफ़ी अच्छी ग्रिप मिलती है, इसकी लीड भी नहीं टूटती, डार्क भी है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। ये ना मिले तो आप डॉम्स की जो हमारी मैकेनिकल पेंसिल्स है ले सकते हैं, दोनों 10 रुपीज़ में मिल जाएंगी। उसके बाद मुझे पसंद आएगा इस कैमलिन की एग्जाम पेंसिल, यहाँ पे आपको ये 2 mm लीड तक मिल जाती है, तो अगर आपको नॉर्मल थिक लेड्स चाहिए ना तो आप कैमलिन एग्जाम ले लीजिए, ये आपको 2 mm लीड तक मिल जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो गाइस फेबर कासल की स्क्रिप्टर, फेबर कासल के अंडर 30 रुपीज़ की जो भी मैकेनिकल पेंसिल्स ऑलमोस्ट सारी अच्छी हैं, बट यहाँ पे ये स्क्रिप्टर मुझे काफ़ी पसंद आई। एंड यहाँ पे देन हमारे पास आ गई गाइस पेंटल की एक नई मैकेनिकल पेंसिल जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है जो कि है पेंटल क्यू रेस। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी ऊपर एक इरेजर भी मिलती है, नीचे ग्रिप सेक्शन भी काफ़ी अच्छा है एंड यहाँ पे 0.7 लेड साइज आपको मिल जाता है। इसका प्राइस है 50 रुपीज़। इसी रेंज में अगर बात करूँ तो गाइस यूनी की तरफ से आने वाली आप ये 3 पेंसिल्स ले सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है यूनी की शालाकू एस, ये आपको 0.5 एंड 0.7 mm में मिल जाती है, ऊपर इरेजर मिलती है। यहाँ पे इनका जो रिट्रैक्टिंग मैकेनिज्म होता है काफ़ी डिफरेंट है, आप इसको यहाँ से प्रेस करते हैं तो ये बाहर आता है। एंड देन गाइस यहाँ पे आपको जो अगर थोड़ी अच्छी क्लिप के साथ पेंसिल चाहिए तो आप ये यूनी की क्लिफ्टर ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन भी इसका, मैं वैसे शालाकू ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। यूनी की मैकेनिकल पेंसिल्स की लेड काफ़ी डार्क भी होते हैं एंड लेड में स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छी होती है, तो प्रेशर लगाने पर इतनी ईजिली वो टूटते भी नहीं है। थोड़े ऊपर बात करें तो गाइस आप मैपेक की ऑटोमेटिक पेंसिल यहाँ पे ले सकते हैं, ये है ऑटोमेटिक 0.5। ऑटोमेटिक का मतलब होता है आप इससे लिखते जाइए एंड आपको ये दबाने की भी जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक आपकी जो यहाँ पे लेड होती है वो डिस्पेंस होती जाती है जैसे जैसे आप उससे लिखते जाते हैं, तो अगेन काफी कन्वीनियंट फीचर है, अच्छी मैकेनिकल पेंसिल है मैपेट की। अगर थोड़े ऊपर रेंज में बात करूँ, आपको ऐसी मैकेनिकल पेंसिल चाहिए जो आप एक बार ही लें साल भर चलें, तो आप इन 2 पेंसिल्स में आग बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें गाइस ये है यूनी की कोरोटोगा। अब इस मैकेनिकल पेंसिल की अच्छी बात ये होती है कि जैसे आप इससे लिखते हैं ना तो उसमें एक अंदर छोटा सा मैकेनिज्म होता है एंड आप अपने लेड से लिखते जाएं वो लेड को घुमाता जाता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी लेड यूनिफॉर्म वेयर होती है चारों साइड से, जिससे आपको बेसिकली ब्लंट एजेस देखने को नहीं मिलती। एंड गाइस एक और जो मेरी पर्सनल फेवरेट है बजट में वो है गाइस पेंटाइल की ग्राफ गियर 600। ये काफ़ी अच्छी पेंसिल है, आपने पेंटाइल की ग्राफ गियर 1000 ग्राम सुना होगा जो एक प्रोफेशनल पेंसिल है, फुल मेटल बॉडी में आती है, अराउंड 1100-1200 रुपये प्राइस होता है, बट यहाँ पे उसी की आप इसको छोटा वर्जन मान लीजिए। यहाँ पे आपको मेटेलिक ग्रिप सेक्शन मिलता है, ऊपर प्लास्टिक मिलता है, बट इतना हाई क्वालिटी है कि वो मेटेलिक ही फील होता है। अगेन वेल बैलेंस्ड मैकेनिकल पेंसिल है पेंटाइल की, इसमें आप लेड्स डालिए, ऊपर आपको यहाँ पे इसमें कौन सी लेड डली है उसको आप बेसिकली यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं एंड मैकेनिज्म भी इसका काफ़ी स्मूथ है। ये पेंसिल आपको 200 रुपीज़ का अराउंड मिलती है एंड मान के चलिएगा इस 200 रुपीज़ में आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे इसको लेना। चलिए तो बात कर लेते हैं कुछ हाइलाइटर्स की गाइस। अब यहाँ पे मेरे पास स्पेशल हाइलाइटर्स मौजूद है, नॉर्मल जो फ्लोरोसेंट हाइलाइटर्स आते हैं वो आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, ऑलमोस्ट सभी अच्छे होते हैं, अंडर 100 रुपीज़ सब अच्छी क्वालिटी आपको ऑफर कर देते हैं। यहाँ पे स्पेशल हाइलाइटर्स की मैं बात करूँगा तो यहाँ पे आप फेबर कासल के टेक्स लाइनर ले सकते हैं, आपको मिल जाते हैं सिर्फ 125 रुपीज़ में, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। एंड यहाँ पे हमारे पास लग्जर के भी स्पेशल हाइलाइटर्स आए हैं, यहाँ पे आपको इनका भी जो MRP है वो आपको 125 पड़ जाता है एंड आपको अप टू 100 रुपीज़ से मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे नए हाइलाइटर्स है, स्पेशल क्वालिटी इनकी भी अच्छी है। इसके बाद मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ डेली की तरफ से
आने वाले मीयू हाइलाइटर्स, यहाँ पे 6 हाइलाइटर्स आपको मिलते हैं। इसका जो प्राइस है ये भी आपको अराउंड 190 रुपीज़ मिल जाता है। ये भी काफ़ी स्मूथ चलते हैं एंड स्मज भी ज़्यादा नहीं करते। एंड इनके अलावा अगर आपको लेना है गाइस जेल हाइलाइटर्स, तो यहाँ पर मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको फीबर कासल के जेल हाइलाइटर्स। ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको मिलते हैं। देखिए ये आपको पेस्टल एंड नॉर्मल फ्लोरोसेंट दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक पेस्टल ग्रीन कलर है, इस टाइप से आप इसको रिवॉल्व करते हैं तो ये निकल के ऐसे बाहर आ जाते हैं। तो अगेन ये सुपर जेल टेक्स लाइनर्स भी मुझे काफ़ी पसंद है। चलिए तो हम आ जाते हैं हम सभी के फेवरेट सेक्शन पे, जहां हम आपको बताने वाले हैं पेंस के बारे में। तो गाइस बेस्ट पेंस कौन से रहेंगे, तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास है बॉल पेंस, नीचे हमारे पास है रोलर बॉल एंड जेल पेंस, फाउंटेन पेंस भी है, तो इनको मैं रिकमेंड कर देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये कुछ हमारे टॉप रिकमेंडेशंस भी हैं। पर पेन तो क्या होता है कि साल भर लॉन्च होते रहते हैं, तो उनके लिए आप हमारे और वीडियोज देख सकते हैं। बट यहाँ पे जो रिलायबल पेंस है वो एक बार मैं जनरली आपको बता देता हूँ। तो बॉल पेंस में अगर हम बात करें तो हमारे पास है पिन पॉइंट, पिन पॉइंट एक्सेस, देन लिंक ग्लाइसर है। अगर आपको पतला पॉइंट चाहिए तो लिंक ग्लाइसर आप ले सकते हैं, पिन पॉइंट ले सकते हैं। अगर आपको थिक पॉइंट चाहिए तो आप पेंटोनिक का BRT ले सकते हैं, लग्जर लिक्यूराइट प्लस ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो रेनॉल्ड्स आ जाता है, रेनॉल्ड्स का लिक्यू फ्लो ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा डार्क पेन है। इसके बाद अगर हम बात करें रिट्रैक्टेबल पेंस की, तो लिंक सिग्नेटर 2.0 मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है गाइस यूनिबॉल की तरफ से आने वाला जेट स्ट्रीम। ये परफेक्ट पेन है, बस इसका प्राइस 40 रुपीज़ होता है, इसलिए रिकमेंड करना थोड़ा टफ हो जाता है। 40 रुपीज़ में परफेक्ट बॉल पेन है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, चलता भी बहुत बढ़िया है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं गाइस मोंटेक्स का विनर। अगर आपको एक ट्रायंगुलर ग्रिप चाहिए, काफ़ी थोड़ा थिक पेन से आप लिखना पसंद करते हैं, तो इसके साथ जाइए, काफ़ी अच्छा पेन है, ये शार्प चलता है। देन यहाँ पे हमारे पास है हॉजर का एक्सो, काफ़ी स्मूथ ये पेन चलता है। यहाँ पे हल्की सी इंक ब्लॉबिंग आपको देखने को मिल जाती है, बट अगेन स्मूथनेस के मामले में ये बहुत अच्छा पेन है। देन आ जाता है सेलो का मैक्स राइटर, एंड यहाँ पे आ जाता है रेनॉल्ड्स का स्मूथ मेट। अराउंड 7-8 रुपीज़ में आपको ये पेन मिल जाता है, परफेक्ट पेन है लिखने के लिए, इंक ब्लॉबिंग भी नहीं है एंड परफेक्टली चलता है, तो रफ वर्क के लिए आपके लिए बेस्ट पेन रहेगा या डेली यूज के लिए बोल सकते हैं। देन गाइस यहाँ पे एक और पेन मेरे पास आ जाता है जो है पेपर मेट की तरफ से आने वाला पेन। यहाँ पे ये नया पेन है, काफी मुझे अच्छा पेन लगा। यहाँ पे 1mm पॉइंट साइज के साथ आता है, ये है पेपर मेट इंक जो है, तो यूज एंड थ्रो में आप इस पेन को ले सकते हैं। ट्राइंगुलर ग्रिप है एंड गाइस वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मुझे आज तक लगी यूज एंड थ्रो में इसकी। तो पेपर मेट एक नया ब्रांड है, इंटरनेशनली बहुत चलता है, बट अगेन अभी अमेजोन पे डिस्काउंट पे भी चल रहा है, तो काफी अच्छे पेन से आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात करें जेल पेन की गाइस, तो ये है हमारे जेल पेन। अब यहाँ हर जेल पेन अपने आप में बेस्ट है, सबकी क्वालिटी से बताता हूँ। सबसे पहले है पेंटेल का एनर्जेल, इसका रिट्रैक्टेबल एंड नॉन रिट्रैक्टेबल सिंपल वर्जन आता है। ये पेन की सबसे खासियत होती है कि ये पेन स्मज नहीं करता, तो अगर आपको एक ऐसा पेन चाहिए जो हाथ लगने पे बिल्कुल भी स्मज ना करे तुरंत, तो गाइज आप इसके साथ जा सकते हैं पेंटेल एनर्जेल के साथ। देन गाइज आप जा सकते हैं हमारे वैल्यू जेल के साथ, अराउंड 6-7 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा जेल पेन है। उसके बाद अगर आपको डार्क इंक चाहिए, वाटर प्रूफ इंक चाहिए बजट के अंदर, तो रेनॉल्ड्स के बजट पेन्स काफ़ी अच्छे हैं। आप रेसर जेल और लूमिनो जेल ले सकते हैं, जिसमें लूमिनो की इंक भी काफ़ी डार्क है। रेसर में आपको रबराइज ग्रिप सेक्शन एंड इंक मॉनिटर के लिए एक विंडो भी मिल जाता है। इसके बाद गाइज ऑक्टेन जो हमारा आता है 10 रुपीज़ में, अगेन ये भी काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का पेन है। 10 रुपीज़ में रबराइज ग्रिप सेक्शन मिलता है, वाटर प्रूफिंग मिलती है एंड इसके प्लास्टिक भी वन ऑफ द बेस्ट है। 10 रुपीज़ में काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी आपको दे देता है। बात अगर कर लें गाइज यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास एक और रिट्रैक्टेबल जेल पेन है जो है पेंटोनिक GRT, 40 रुपीज़ में आता है, काफ़ी स्मूथ पेन है, रबराइज ग्रिप मिल जाती है आपको, चलने में बहुत अच्छा है, अच्छी खासी वाटर प्रूफिंग भी देता है। तो अगर आपको डिज़ाइन में अच्छा पेन चाहिए ना, तो GRT के साथ आप जा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें गाइज रोलर बॉल पेन्स की, तो यहाँ पे गाइज यूनिबॉल का 215 मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, परफेक्ट ग्रिप है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है पॉइंट और आपकी ग्रिप का, ये भी परफेक्टली फाइन मुझे लगता है एज कम्पेयर टू अदर रोलर बॉल्स। यहाँ पे एक इंक पॉइंटर करने के लिए विंडो भी आपको दी गई है, पिगमेंटेड इंक आती है जो कि अच्छी वाटर प्रूफिंग भी ऑफर कर देती है आपको। यहाँ पे नेक्स्ट पेन जो आ जाते हैं गाइज वो है हमारे पास फ्लेयर का अल्ट्रॉनिक्स, 0.7mm निप साइज के साथ आता है, काफ़ी अच्छा पेन है। यहाँ पे इसकी जो इंक है वो भी काफ़ी अच्छी है, वाटर प्रूफ है एंड यहाँ पे ये स्मज भी नहीं हो एज़ कम्पेयर टू अदर रोलर बॉल्स। फ्लेयर के रोलर बॉल में मैंने एक बात देखी, ये स्मज काफ़ी कम होते हैं, विच इज़ अ गुड पॉइंट, इंक डार्क भी है। देन गाइज हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं यूनिबॉल की तरफ से आने वाले कुछ पेन, तो यूनिबॉल आई माइक्रो ये मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा जाता है 80 रुपीज़, बट गाइज 80 रुपीज़ में ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पेन है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिलती है, पिगमेंटेड इंक आती है, काफ़ी लंबाई पेन चलता है, इंक मॉइडा करने के लिए आपको यहाँ पे विंडो भी मिल जाती है एंड ओवरऑल ये पेन कभी लीक नहीं करेगा, इसकी गारंटी तो मैं पर्सनली दे सकता हूँ क्योंकि मेरा भी आज तक कोई पेन लीक नहीं गया है, तो मोस्ट ट्रस्टेबल पेन है। बस हाँ फ्लाइट्स में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, फ्लाइट्स की गारंटी नहीं होती है। फ्लाइट्स में इसका एक और वर्जन आता है यूनिबॉल विजन एलीट करके, आप वो ले सकते हैं, बट इतना नहीं, अभी तो हम स्कूल के लिए ढूंढ रहे हैं। तो अगेन काफ़ी अच्छा ये पेन है, यहाँ पे इसका एक और वर्जन आता है फाइन करके, तो ये माइक्रो था 0.5mm निप साइज के साथ, 0.7 में आपको ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए तो उसके साथ जा सकते हैं, बट नॉर्मल राइटिंग
के लिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, बट स्मूथनेस के लिए फाइन है। देन गाइस फेबर कासल के भी हमारे पास पेन्स आ जाते हैं, तो ये है फेबर कासल लिक्विडिंग रोलर एंड यहाँ पे हमारे पास है फेबर कासल का अगेन ये भी लिक्विडिंग रोलर है। काफ़ी अच्छे पेन से पिगमेंटेड इंक में भी आता है, काफ़ी स्मूथ चलते हैं, अराउंड 70-80 रुपीज़ प्राइस है। इनकी अवेलेबिलिटी थोड़ी टफ होती है, बट अगेन ये दोनों भी काफ़ी अच्छे पेन से, यहाँ पे भी आपको दोनों में इंक विंडो मिल जाता है मोनिटर करने के लिए। बात अगर थोड़ी बजट में कर लें तो गाइज यहाँ पे जो आपके पायलट की वी सीरीज आती है ये काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डार्क चलती है, स्मज नहीं होती, बट अगेन इनमें थोड़ा सा जो इशू आ जाता है वो आ जाता है लीकिंग का, तो इसलिए मैं ज़्यादा इनको रिकमेंड नहीं कर पाता हूँ। बट अगेन पायलट की जो वी सीरीज़ है मुझे काफ़ी पसंद आती है। और रोलर पेन जो अच्छे हैं वो है रेनॉल्ड्स का ट्राइमैक्स, आप जानते ही हैं, एंड यहाँ पे लग्जा शनाइडर एलेक्स मैक्स एक नया रोलर बॉल पेन है, तो दोनों काफ़ी अच्छे हैं, दोनों स्मूथ पेन है, अच्छी वाटर प्रूफिंग ऑफर कर देते हैं, अराउंड 800-1000 मीटर्स ये दोनों चलेंगे, काफ़ी मुझे अच्छे पेन लगते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, यहाँ पे स्मूथनेस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप दोनों को चला के देखिए एंड आपको जो पसंद आए वो आप पिक कर सकते हैं। एक और पेन जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा गाइज वो है यहाँ पे वी साइन पेन, तो ये है हमारे पास पायलट की तरफ से आने वाला वी साइन पेन। इसका ना काफ़ी थिक पॉइंट होता है, एक स्केच पेन जैसा है, बट यहाँ पे एक पेन है, यहाँ पे आपको इंक मॉनिटर भी कर सकते हैं, काफ़ी स्मूथ चलता है, आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह में इसका काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ पे आपको ये रेड ब्लैक एंड ब्लू इन कलर में मिल जाता है। तो ये तो बात हो गई बात पेन्स की, आप कुछ कलरफुल फाउंटेन पेन्स नॉर्मल पेन्स की बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कलर पेन का सेट लेना है ना तो आप पेंटेल का एनर्जी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ये जो सेट है ये 360 का मिल जाता है 12 पेन्स के लिए गाइज। यहाँ पे एक बड़ा सेट भी मिलता है जो वहाँ रखा हुआ है, वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको 24 पेन का सेट भी मिल जाएगा। ये थोड़े से कॉस्टिंग ज़्यादा जाती है, बट अगेन जो वैल्यू ये देते हैं वो जस्टिफाइड है। थोड़े से सस्ते में आप जाते हैं तो मुझे यहाँ पे हॉज़र की जो पेन्स आए हैं ये काफ़ी पसंद आए, तो हॉज़र एक्सो का 12 इंक जेल कलर पेन भी आ जाता है, यहाँ पे आपको 12 बॉल का भी मिल जाता है। दोनों ही काफ़ी स्मूथ चलते हैं, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इनका जो प्राइसिंग है वो जेल का 150 रुपीस है एंड बॉल का सिर्फ 100 रुपीस है, तो बजट में काफ़ी अच्छे ये कलर पेन्स रहेंगे फॉर मेकिंग नोट्स। अब बात कर लेते हैं कुछ फाउंटेन पेन्स की, तो देखिए 50 रुपीस में 60 रुपीस में फाउंटेन पेन्स का समुंदर आता है, इतने सारे पेन्स आते हैं फ्रॉम मेनी डिफरेंट ब्रांड्स, जिसका मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं, अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बट एक अगर सेफ चॉइस मुझे देनी हो आपको इन 50 रुपीस, तो गाइज ये है फ्लेयर की तरफ से आने वाला इंकी क्लासिक। ये मुझे सबसे ज़्यादा फ्लेयर का पेन पसंद है, रीज़न वही है गाइज कि यहाँ पे ना इस पेन को आप रीफिल कर सकते हैं। आप देखिए फाउंटेन पेन जल्दी कार्ट्रिजेस के साथ आते हैं, है ना, पर मुझे पर्सनली जो कन्वर्टर हैं, जो आई ड्रॉपर होते हैं वो ज़्यादा पसंद है। कन्वर्टर मतलब इसमें कन्वर्टर तो नहीं है, बट ये आई ड्रॉपर की तरह काम करता है, मतलब कि इंक आप इसके बैरल में ही पूरी फिल कर सकते हैं, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कन्वर्टर और आई ड्रॉपर वाले फाउंटेन पेन को आप रीयूज़ कर सकते हैं 50 रुपये में, ये बहुत अच्छी क्वालिटी आपको देता है, अगेन गुड पेन। एक और फाउंटेन पेन जो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ स्टूडेंट्स के लिए जो है वो है ये क्लिक की तरफ से आने वाला स्टूडेंट फाउंटेन पेन। ये आपको मात्र 100 रुपये में मिल जाता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको ऑफर कर देता है। के अंदर तो आपको कार्ट्रिजेस तो मिलती हैं, बट साथ में आपको पेन एंड यहाँ पे अंदर कन्वर्टर भी मिल जाता है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे निब है, एंड बेसिकली ना इसको आप एक प्रॉपर फाउंटेन पेन कह सकते हैं। साथ ही एक डेमोन्स्ट्रेटर फाउंटेन पेन है, क्लियर बॉडी मिलती है जिससे आप इसकी इंक भी मॉनिटर कर पाएंगे इजीली, तो अगेन काफ़ी अच्छा पेन है, क्लिक की ओर से 100 रुपीस में बेस्ट पेन रहेगा। इसी के साथ अगर बात कर लें गाइस कैलीग्राफी पेन्स की भी, तो यहाँ पे मेरे पास दो चॉइसेस हैं आपके लिए। तो यहाँ पे आप एक तो ले सकते हैं पार्कर की तरफ से आने वाला ये पार्कर वेक्टर कैलीग्राफी पेन सेट, काफ़ी अच्छी मेटेलिक बिल्ड क्वालिटी मिलती है, चार कार्ट्रिजेस मिलती हैं, ब्लैक एंड ब्लू दो ब्लैक, यहाँ पे आपको तीन निब साइज मिल जाते हैं, दो ये हैं, एक इसके अंदर है, कन्वर्टर भी मिल जाता है, काफ़ी अच्छे पेन है, बट इसका प्राइस अराउंड 450 रुपीस जाता है। तो अगर आपको थोड़ी बेटर बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो आप ये ले लीजिए, मेटल केस में भी आता है, बट अगर आपको थोड़ा बजट में कैलीग्राफी लेना है, आप कैलीग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, आपको अच्छी क्वालिटी इन गुड प्राइस आपको चाहिए, प्लास्टिक बिल्ड चलेगा, तो गाइस आपको ये मिल जाता है क्लिक का सेट। एंड इसमें खास बात ये है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा पेन तो मिल ही जाता है, एंड यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा निब देखने को मिल जाते हैं जो आपको डिफरेंट पॉइंट साइजेस में मिल जाते हैं, तो अगेन इस प्राइसिंग में ये काफी वैल्यू फॉर मनी डील रहेगी। एंड अब बात कर लेते हैं मल्टी एक्शन पेन की, जिसमें एक ही पेन में चार पेन निकल के आते हैं, तो उसमें आप ये हॉज़र का मल्टी एक्शन पेन ले सकते हैं, यहाँ पे ट्विस्ट मैकेनिज्म के साथ ही आता है, इसी के साथ आपको फ्लेयर की भी मल्टी एक्शन 30 रुपीस में मिल जाते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, उनको आप परचेज कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ नोटबुक्स की, तो यहाँ पे हमारे पास काफी सारी नोटबुक्स हैं फ्रॉम मेनी डिफरेंट ब्रांड्स। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ कि किस कैटेगरी में आप कौन सी ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी नॉर्मल नोटबुक्स की, तो नॉर्मल नोटबुक अगर आपको चाहिए तो
यहाँ पे मुझे क्लासमेट की जो नॉर्मल नोटबुक आती हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास इंटरैक्टिव सीरीज़ है, ये काफ़ी अच्छे आपको कवर्स के साथ मिल जाती है, पेज की भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। साथ ही साथ में यहाँ पे जो 3D क्राफ्ट सीरीज़ है, इसके अंदर आपको ओरिगामी के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप ये ले सकते हैं नॉर्मल नोटबुक फॉर रेगुलर स्कूल वर्क। साथ ही साथ यहाँ पे जो डॉम्स की हमारे पास नोटबुक सीरीज़ आती है, इसमें भी आपको 70 GSM पेपर मिल जाता है, आप ये ले सकते हैं। बात करें अगर स्पाइरल की, तो उसमें ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसी के साथ हमारी जो डॉम्स की एक्सलूमिया सीरीज़ आती है, वो भी काफ़ी अच्छी है। ये काफ़ी अच्छे क्रिएटिव कवर्स के साथ आपको मिलती है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी पेज क्वालिटी है, यहाँ पे इस टाइप की डॉटेड आपको रूल लाइंस मिल जाती है, यहाँ पे स्पेस है एंड आप स्पीच को टियर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलता है स्पेशल, यहाँ पे आपको ये बड़े फॉर्म में भी मिल जाएगी। काफ़ी मुझे पसंद आई ये वाली नोटबुक्स। इसी के साथ का स्कूल में रेगुलर यूज़ के लिए मैं आपको क्लासमेट की पल्स सीरीज रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर आपके स्कूल में स्पाइरल एजेंट अलाउड है, तो आप आग बंद करके पल्स के साथ जा सकते हैं क्लासमेट। ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे स्पाइरल रिंग मिलती है, प्लास्टिक कवर मिल जाता है आपको एंड यहाँ पे भी इसकी जो पेज क्वालिटी है काफ़ी अच्छी मिल जाती है। मोस्ट ऑफ द जेल पेन्स, रोलर बॉल पेन्स इसमें ब्लीड नहीं करेंगे। एंड एट लास्ट, अगर आपको 5 सब्जेक्ट नोटबुक चाहिए तो गाइस, तो ये हमारी कंपैरिजन की भी विनर थी, वो है डॉम्स की 5 सब्जेक्ट नोटबुक। इसकी पेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, ऊपर आपको काफ़ी अच्छा प्लास्टिक मिलता है, काफ़ी अच्छे से सेक्शन डिवाइडेड है एंड ओवरऑल 5 सब्जेक्ट में अगर आपको एक अल्टीमेट बुक चाहिए विथ वेरी गुड हाई क्वालिटी रिंग्स, तो आप इसके साथ आग बन करके जा सकते हैं। एंड एट लास्ट, अगर आपको कोई अच्छी जर्नल लेना है, बजट में जर्नल्स काफ़ी सारी आती हैं, बट ऐसी जर्नल जो अच्छी क्वालिटी ऑफर करे, बजट में आ जाए एंड यहाँ पे प्लेन पेजेस के साथ आए, तो आप क्लासमेट पर्ल्स की इस जर्नल के साथ जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे पेजेस भी मिल जाते हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं। साथ ही साथ अंदर आपको प्लेन पेजेस मिलते हैं जो काफ़ी स्मूथ लगते हैं देखने में, तो इन पे आप जर्नलिंग काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही साथ हार्ड कवर के साथ आती है, इसका प्राइस है सिर्फ 165 रुपीज़। तो अगेन अल्टीमेट जर्नल फॉर 165 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टिकी नोट्स की गाइस। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे स्टिकी नोट्स आ गए हैं, तो यहाँ पे जो मैं बेस्ट रिकमेंड करता हूँ आपको, वो पोस्टेड ही हैं। ये काफ़ी अच्छे से स्टिक हो जाते हैं, इनकी ग्लू भी काफ़ी अच्छी होती है, आप इनके साथ जा सकते हैं। अगर आपको थोड़े बड़े स्टिकी नोट चाहिए, तो यहाँ पे ऑडी के भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। ये है ऑडी का रीस्टिक। अगर आपको स्पेशल स्टिकी नोट चाहिए ना, तो यहाँ डेली के स्टिकअप भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसका पैक आप ले सकते हैं। एंड यहाँ पे जो स्टिकी फ्लैग्स होते हैं, जो आप नोटबुक के साइड में लगा सकते हैं ना, वो आपको पोस्टेड की तरफ से भी आते हैं, यहाँ पे डेली की तरफ से आपको मिल जाएंगे। ये भी मुझे काफ़ी पसंद है, इनको आप सिंपली ऐसे पुल कर सकते हैं एंड अपनी नोटबुक पर लगा सकते हैं, तो कोई भी पेज या कोई भी इंपॉर्टेंट जगह मार्क करने में ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। बात करें कुछ और यूज़फुल सप्लाइज की, तो गाइज यहाँ पे हमारे पास आ गई हैं। अगर आपको ग्लू स्टिक लेना है, तो यहाँ पे आप डेली की तरफ से आने वाली स्टिकअप ले सकते हैं। ये हमारे ग्लू स्टिक कंपैरिजन की विनर भी थी, काफ़ी अच्छे से स्टिक होता है, जल्दी ड्राई भी हो जाती है। लिक्विड ग्लू चाहिए तो अगेन फेविकॉल MR बेस्ट रहेगा आपके लिए, इसको आप परचेस कर सकते हैं। करेक्शन पेन्स की बात करें, तो गाइस यहाँ पे आप रेनॉल्ड्स या फिर फेबर कासल में कोई भी करेक्शन पेन ले सकते हैं, दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। करेक्शन टेप की अगर आप बात करें, तो मैं हमेशा पेन के ऊपर टेप प्रेफर करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो टॉम्बो का करेक्शन टेप है, ये ओवरऑल बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑफर करता है। यहाँ पे इसका जो प्राइस है, ये आपको 80 रुपीज़ है ना, एंड 80 रुपीज़ में काफ़ी अच्छी लेंथ आपको मिल जाती है। ओवरऑल करेक्शन टेप तो बहुत आते हैं, बट वो स्टिक नहीं होते, निकल जाते हैं। टॉम्बो विल भी बेस्ट, उसके साथ आप जा सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक डेली एसेंशियल्स का एक किट भी मिल जाता है। तो गाइस ये आता है हमारे पास वर्ल्ड वन की तरफ से, ये है वर्ल्ड वन एसेंशियल स्टेशनरी किट। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे सेफ्टी पिन, इलास्टिक बैंड्स एंड यहाँ पे आपको जो आपके नोटिस बोर्ड होते हैं उन पे लगाने वाले पिन्स, पेपर क्लिप, सब कुछ मिल जाता है काफ़ी कलरफुल फॉर्म में। इसको भी आप परचेस कर सकते हैं, आपकी डेस्क पे काफ़ी ज़्यादा आपको काम आएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ आर्ट सप्लाइज की। हमारे पास यहाँ काफ़ी सारी आर्ट सप्लाइज आ गई हैं। सबसे पहले अगर आपको स्केच पेन रिकमेंड करूँ, तो अगेन इस साल भी फेबर कासल के कनेक्टर पेन हमारे फेवरेट स्केच पेन है। आप चाहें तो इसका ये 15 का साइज ले सकते हैं, या अगर आपको ज़्यादा बड़ा सेट चाहिए, तो 50 कनेक्टर पेन का भी आपको यहाँ पे पैक मिल जाता है। कनेक्ट हो जाते हैं, काफ़ी स्मूथ चलते हैं, सालों साल चलते हैं, तो अगेन बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्केच पेन मुझे लगते हैं। इसके बाद अगर आप कलर पेंसिल्स लेना चाहते हैं गाइस, तो काफ़ी ब्रांड्स की आती हैं, आप डॉम्स की ले सकते हैं या फिर आप फेबर कासल की 48 कलर पेंसिल्स का ये पैक ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको ऑफर कर देता है। बात करें अगर हम ब्रश पेंस की गाइस, तो यहाँ पे मुझे डॉम्स के हैंड्स डाउन सबसे अच्छे बजट में ब्रश पेंस लगते हैं। आप इनके मेटेलिक सीरीज ले सकते हैं, पेशल्स भी आते हैं, नॉर्मल भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 14, 28 ऐसा बड़ा पैक भी मिल जाएगा, तो अगेन डॉम्स के ब्रश पेन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, काफ़ी अल्टीमेट क्वालिटी के साथ आते हैं, हमारे कंपैरिजन के भी विनर थे। अब अगर आपको चाहिए वाटर कलर पेंसिल, अब देखिए पेंसिल कलर तो आपने ले लिए हैं, बट यहाँ पे एक अल्टीमेट प्रोडक्ट है ये डॉम्स का वाटर कलर पेंसिल। इसमें ये होती तो नॉर्मल पेंसिल कलर ही है, बट जैसे आप इन पर पानी लगाते हैं ना, हमने इस पर एक शॉट भी बनाया था, तो ये एक वाटर कलर पेंटिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगेन एक ये अल्टीमेट पेंसिल है, मैं कहूँगा आपको इनको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इसके बाद अगर आप लेना चाहते हैं गाइस ऑयल पेस्टल्स, तो यहाँ पे आप डॉम्स का ये पैक खरीद सकते हैं। एंड मैं एक और चीज़ आपको रिकमेंड कर सकता
सकता हूँ डॉम्स का आर्ट ऐप नेक्स्ट किट, उसमें आपको ये सारे ऑयल पेस्टल पेंसिल कलर्स वगैरह सब एक साथ मिल जाते हैं, तो वो किट भी अल्टीमेट रहेगा। बाकी अगर इंडिविजुअली लेना है तो वैक्स क्रॉन या ऑयल पेस्टल आप इस टाइप से ये डॉम्स का पैक ले पाएंगे। इसके बाद अगर आपको वाटर कलर चाहिए तो यहाँ पे आप ये दो ले सकते हैं, आप डॉम्स की तरफ से आने वाले वाटर कलर केक्स ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। एंड यहाँ पे एक और वैरायटी हमें मिल जाती है, ये है कैमिल के आर्टिस्ट वाटर कलर केक्स, काफ़ी अच्छा ये पैक आता है, यहाँ कलर्स आपको दिख जाएंगे। एंड यहाँ पे ये सारे कलर्स हैं, आप इन्हें भी परचेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा कलर पैक है ये भी, काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में आता है, ऐसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी कलर क्वालिटी है। साथ ही में बजट में आप ले सकते हैं रंगीला के इस टाइप के टेम्परा कलर्स, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी पैकिंग मिल जाएगी, काफ़ी सालों से आ रहे हैं इस टाइप के छोटे छोटे टब्स आते हैं, तो नॉर्मल डे टू डे यूज़ के लिए ये बेस्ट रहेंगे। इन्हीं के साथ अगर आपको ब्रशेस चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी सारे डॉम्स कैमिल के ब्रश यहाँ पे रखे हुए हैं, मैपेट के भी ब्रश हैं, आप ये भी परचेज कर सकते हैं, कैमिल का भी पैक आता है वो आप ले सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर थोड़े स्पेशल ब्रशेज चाहिए तो आप ये जो कैमलिन के स्पेशलिटी ब्रशेज आते हैं इनको भी आप परचेज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में अच्छे प्राइसिंग के साथ अच्छे ब्रशेज आपको ये मिल जाते हैं। तो गाइस ये था हमारा एक बैक टू स्कूल वीडियो, हमारी टॉप स्टेशनरी हमने आपको रिकमेंड कर दिया है। अगर आपकी इस वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प करी है ना तो इसको अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वो भी अपने पैसे सही स्टेशनरी में इन्वेस्ट कर पाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारे लिंक्स जो भी मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ और कंपैरिजन देखना चाहते हैं, कोई और रिव्यू चाहते हैं कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं एंड रिस्पॉन्ड भी करूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलने वाला हूं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।